हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार राज्य के 5 सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले जिला के बारे में, यानी कि उनके नाम क्या क्या हैं, कितनी जनसंख्या है उसमें, मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों की कितनी जनसंख्या है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। और दोस्तों, इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, नंबर 5 की बात करें तो हम पहले नंबर 5 से शुरू करते हैं, उसके बाद से नंबर 1 तक आएंगे। तो नंबर 5 से शुरू करें तो नंबर 5 की सूची में आता है दरभंगा ज़िला। दरभंगा ज़िला बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िला है और दरभंगा ज़िला दरभंगा मंडल के अंतर्गत आता है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि दरभंगा ज़िला होने के साथ साथ एक मंडल भी है। और बात करें इसकी क्षेत्रफल की तो दरभंगा ज़िले का कुल क्षेत्रफल 2289 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आबादी की बात करें तो दरभंगा ज़िला की कुल आबादी 39,38,000 है। इस 39,38,000 में मुस्लिम धर्म की कुल आबादी 8,83,000 है, जो कि यहाँ की आबादी के अनुसार 23% है। यानी कि दरभंगा ज़िला में कुल 23% जो आबादी है वो मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं। दोस्तों, ये था हमारा नंबर 5 दरभंगा ज़िला। अब नंबर 4 की बात करते हैं। तो नंबर 4 की लिस्ट में जो जिसका नाम है जिस ज़िले का, वो ज़िला है पूर्णिया ज़िला। हाँ दोस्तों, बिहार का एक बहुत ही प्रभावशाली ज़िला पूर्णिया ज़िला। पूर्णिया ज़िला होने के साथ साथ एक मंडल भी है और पूर्णिया ज़िला बंगाल के पास में ही बसा हुआ है, लेकिन यह बिहार के अंतर्गत आता है। बात करें इसकी कुल क्षेत्रफल की तो पूर्णिया ज़िले का कुल क्षेत्रफल 3202 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी कि 2202 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आबादी की बात करें तो पूर्णिया ज़िले का कुल आबादी 32,65,000 है। ये हम जो आबादी बता रहे हैं, ये कुल आबादी है, यानी कि पूर्णिया ज़िला की कुल आबादी 32,65,000 है। अब इसमें मुस्लिम धर्म की आबादी 12,56,000 है, जो कि यहाँ की आबादी के 40% है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पूर्णिया ज़िला में कुल 40% जो आबादी है वो मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं। अब नंबर 3 की बात करें तो बिहार के सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले में तीसरे नंबर पर जो ज़िला आता है वो ज़िला है अररिया ज़िला। दोस्तों, अररिया ज़िला बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िला है और अररिया ज़िला पूर्णिया मंडल के अंतर्गत आता है। और क्षेत्रफल की बात करें तो पूर्णिया ज़िले का कुल क्षेत्रफल 2830 यानी कि 2830 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आबादी की बात करें तो अररिया ज़िला की कुल आबादी 28,35,267 है। अब इस 28,35,267 में मुस्लिम धर्म को मानने वाले 12,08,000 लगभग यहाँ की आबादी के 43% लोग मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं। इसमें इस 12,08,000 में 6,25,000 पुरुष और 5,83,000 महिला हैं। दोस्तों, अररिया ज़िला में कुल 43% मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं। नंबर 2 की जो सूची में आता है वो है कटिहार ज़िला। हाँ दोस्तों, कटिहार ज़िला बिहार का एक बहुत ही गौरवशाली और महत्वपूर्ण ज़िला है और कटिहार ज़िला पूर्णिया मंडल के अंतर्गत आता है। कटिहार ज़िला की कुल आबादी की बात करें तो इस ज़िला की कुल आबादी 28,82,000 है। इस 28,82,000 में मुस्लिम धर्म की कुल आबादी 13,65,000 है, यानी कि 45%। कटिहार ज़िला के आबादी के 45% लोग मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं। इस 13,65,000 में 7,10,000 पुरुष और 6,57,000 महिला हैं। अब नंबर 1 की सूची में आते हैं तो बिहार का जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला ज़िला है वो है किशनगंज ज़िला। हाँ दोस्तों, किशनगंज ज़िला, ये ज़िला पूर्णिया मंडल के अंतर्गत आता है।
और क्षेत्रफल की बात करें तो किशनगंज जिले का कुल क्षेत्रफल 1884 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आबादी की बात करें तो इस जिला की कुल आबादी 16,90,500 है। अब इस 16,90,500 में मुस्लिम धर्म को मानने वाले 11,50,000 हैं, जो कि लगभग 68% है। यानी कि किशनगंज के 68% लोग मुस्लिम धर्म के मानने वाले हैं। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। और दोस्तों, इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।